सोमवार की दोपहर से बाजार चौक, शिवाजी चौक पर और अन्य ठिकानों पर बिना मास्क घूमने वालों के खिलाफ नगर पंचायत की ओर से कार्रवाई की गई। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखकर प्रशासन की ओर से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाए हैं। नगर पंचायत मुख्य अधिकारी अर्चना वंजारी ने सोमवार को नगर के विभिन्न चौराहों पर कर्मचारियों के साथ बिना मास्क घूमने वाले 11 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5500 रुपए वसूल किए गए। वहीं लोगों से अपील की कि कोरोना का बढ़ता प्रकोप दोबारा होने के आसार होने से लोगों ने मुंह पर मास्क लगाना जरूरी है, नियमों का पालन करना जरूरी है, इस बीमारी को हल्के में न ले, लापरवाही न बरते, होने वाले खतरे से निजात पाने के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखी। वही सब्जी दुकानदारों को तुरंत अपनी कोरोना वायरस जांच कराने की आवश्यकता है, क्योंकि रोजाना हजारों लोगों से इन दुकानदारों के संपर्क में आता है। वही हेयर सलून दुकानदार, किराना दुकानदार, बस चालक, वाहक भी अपना कोरोना जांच करे। उपाय योजनाओं के बारे में भी जानकारी देते हुए शासन की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा। जो लोग दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो आज इसी दिशा में बिना मास्क वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वाहन चालक, दुकानदारों, राहगीरों पर कार्रवाई की गई। एकाएक होती कार्रवाई होते देख लोगों में अफरा तफर जैसा माहौल पैदा हो गया था। जो लोग बिना मास्क के बाजारों में घूम रहे थे वह भी कार्रवाई के डर से मुंह पर मास्क लगाते हुए दिखे। इस कार्रवाई में पारशुनी पुलिस ने भी हिस्सा लेकर लोगों से मास्क लगाने और शासन की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने का आवाहन पुलिस निरीक्षक संतोष वैरागड़े ने किया। रास्ते पर वाहन चालक भी अचानक होती कार्रवाई से इधर उधर भागने लगे। अर्चना वंजारी तथा पुलिस निरीक्षक संतोष वैरागड़े ने लोगों से बार बार अपील की कि कोरोना वायरस महाराष्ट्र में दोबारा फैलता जा रहा है, मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सैनिटाइजर का उपयोग, मुंह पर मास्क लगाना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाना, दूरियां बनाए रखना, सर्दी खांसी बुखार होने पर तुरंत जांच करना और भी उपायों के बारे में लोगों को मालूमात दी। बार बार नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ जुर्माने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाने की जानकारी अर्चना वंजारी तथा पुलिस निरीक्षक संतोष वैरागड़े ने दी। शादी समारोह में बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा न हो इसलिए शादी सभागृह के मालिक को पहले से ही चेतावनी दी गई। फिर भी इस तरह की जगह पर लोगों का जमावड़ा होता है तो शादी सभागृह के मालिक के खिलाफ जुर्माना वसूल किया जाएगा, वही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस निरीक्षक संतोष वैरागड़े ने अपना दल बल लेकर इस कार्रवाई में सहयोग किया। नगर पंचायत कार्यालय के कर्मचारी भी कार्रवाई में शामिल रहे। आज आपण नगर पंचायत पार्श्वी तर्फे कार्रवाई करतो आहे। ही कार्रवाई अचानक केलेली नसून यापूर्वी पण आपण वारंवार सूचना दिलेली आहे। COVID-19 ची जी दुसरी लाट आपल्या संपूर्ण भारतामध्ये किंवा आपल्या राज्यामध्ये पसरलेली आहे, त्या अनुषंगाने माननीय जिल्हाधिकारी नागपूर यांच्या कार्यालयाकडून जे आपल्याला आदेश प्राप्त झालेले आहे त्या आदेशाच्या अनुषंगाने आपण आजची कार्रवाई करतो आहे। तेव्हा या कारवाईला नागरिकांना सहकार्य करावे, नागरिकांनी तोंडावर मास्क बांधणे, त्यानंतर इतर जे काही नियम सांगितलेले त्या नियमांचं पालन करणे आणि एवढं मी लोकांना, ही कारवाई दंडात्मक स्वरूपाची असून यापुढेही जर विदाऊट मास्क जर लोक आढळून आले तर आपल्याला दंडासोबतच FIR सुद्धा करण्याचे आदेश माननीय जिल्हाधिकारी नागपूर यांच्या कार्यालयाकडनं प्राप्त झालेले आहे। ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंग आहे, मास्क वापरणे आहे, सॅनिटायझेशन आहे, याचा वापर करण्याचा विसर पडलेला दिसतोय, त्यामुळे आपल्या जिल्ह्यामध्ये कोरोनाचे बरेचसे पेशंट आता वाढलेले आहे। हे अवेअरनेस करणे हा सुद्धा एक उद्देश आहे, फाईन तर करतोच आहे, याही पलीकडे जर काही सुधारणा घडून आली नाही तर याच्यानंतर गुन्हेसुद्धा दाखल होणार आहे। लोकांनी याबाबत एक त्यांनी दिलेल्या ज्या सूचना आहेत त्या सगळ्या सूचनांचं पालन करावं, गर्दीच्या ठिकाणी जाण्याचं टाळलं पाहिजे, जे नियम घालून दिलेले आहे लग्न कार्यासाठी 50 ची लिमिट आहे त्या सगळ्याचं पालन केलं पाहिजे। मास्क घालून याल तर दुसरं काम, जसं गिऱ्हाईक येणार आहे त्यांना मी मास्क घालून येईल तेव्हा त्यांना माल द्यायचा, त्यांना अन्यथा माल द्यायचा नाही, नाही पुढच्या बुधवार सोमवारला दुकान लावायचं नाही, त्या सोमवारला तुम्ही टेस्ट करून याल तेव्हाच तुम्ही दुकान मांडाल मले, नाहीतर अन्यथा दुकान लावू देणार नाही। BCN News के लिए पारशिवनी से रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।